हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आज हम बना रहे हैं एक काफ़ी हेल्दी कम तेलों में बनकर तैयार होने वाली कटलेट की रेसिपी, जिसे आप इस मॉनसून के मौसम में चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। और इसकी प्लेटिंग हम करेंगे बिल्कुल ही अनोखे तरीके से, तो इसे आप एंड तक जरूर देखें। तो इसे झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रोकली कटलेट बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। ब्रोकली चीज कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड ब्रोकली ऐड करेंगे। आप इसे फूड प्रोसेसर या ब्लेंडिंग जार में डालकर फोर्सली ब्लेंड कर लें। ध्यान रहे कि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। 2 टेबलस्पून ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून मैश्ड कॉर्न, 1 टीस्पून येलो एंड रेड बेल पेपर्स, आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज कर सकते हो, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून बॉइल्ड कॉर्न, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, ये ऑप्शनल है, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी क्रश्ड अजवाइन, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ 4 टेबलस्पून फ्रेश ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स घर में बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड लें, उसके साइड्स को कट कर निकाल दें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे ब्लेंडिंग जार में डालकर फोर्सली ब्लेंड कर लें। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और सारी सामग्रियों को आप अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लें। डो बनकर तैयार है और इसे बनाने में हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और डो से एक मीडियम साइज का पोर्शन तोड़ेंगे और उसे हाथों में चिकना करते हुए इसका एक आप लड्डू बना लें और फिर इसे प्रेस कर आप इसके बीच सेंटर में एक होल क्रिएट करें जिसमें हम अपनी चीज को स्टफ करेंगे। मैंने यहाँ पे चीज स्लाइसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहो तो चीज क्यूब्स भी यहाँ यूज कर सकते हो, तो आप अपने पसंद के हिसाब से जितना चीज ऐड करना चाहते हो सेंटर में फिल करके इसे सील करते हुए इसका एक कटलेट बना लें। आप इसे अपने हाथों के बीच में हल्का हल्का गोल घुमाते हुए और फिर इसे हाथों से हल्का प्रेस कर लें और इसे एक राउंड शेप का कटलेट का शेप दे दे। आप इसे अपने मनपसंद के कुकी कटर से भी कट करके शेप दे सकते हो। ब्रोकली चीज कटलेट्स बनकर तैयार हैं, तो हम बाकी के बचे हुए डो से भी इसी तरह कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हो हमने सारे ब्रोकली चीज कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम एक प्लेट में 5 टेबलस्पून रवा लेंगे और इन कटलेट्स को रवा में डालकर चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे कटलेट्स क्रिस्पी एंड क्रंची बनकर तैयार होंगे। बाकी बचे कटलेट्स को हम रवा में इसी तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो हमने सारे कटलेट्स को रवा में अच्छे से कोट कर लिया है। और अब आप इसे रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दें। गैस ऑन कर हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसे ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप रिफाइंड ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमने कटलेट्स को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है, हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, तो अब हम एक एक कर कटलेट्स को पैन में डालकर इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। और अब हम थोड़े थोड़ा ऑयल
इन सारे कटलेट्स के चारों तरफ स्प्रेड करेंगे और इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट्स के लिए शैलो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमने कटलेट को दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब आप एक सर्विंग प्लेट लें और उसमें टोस्टेड राउंड शेप के ब्रेड स्लाइसेस ऐड करें। अब हम ब्रेड स्लाइसेस पे मेयोनीज ऐड करके इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे क्रिस्पी क्रंची ब्रोकली चीज कटलेट्स को। अब हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और चीज स्लाइसेस ऐड करेंगे, टमाटो स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसके टॉप पे हम थोड़े से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। लास्ट में हम इसके टॉप पर कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। तो आप भी अपने गेस्ट को इस तरह से प्लेटिंग करके सर्व करें, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट होगा ही और प्रेजेंटेशन में भी काफी शानदार होगा। ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।